हेलो डियर फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम एट स्टडी आईएएस विद पीएन शर्मा। डियर फ्रेंड्स, आज हम 22 मई 2020 द हिंदू का एनालिसिस करेंगे। तो आज के दिन कौन कौन सी न्यूज़ है जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उन सभी न्यूज़ का हम डिस्कशन करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, डिस्कशन करने से पहले आपके लिए कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस। आप में से जो भी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो स्टडी आईएएस कोड यूज कर एक्स्ट्रा डिस्काउंट का आप बेनिफिट उठा सकते हो प्लस प्लेटफॉर्म पर। ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहां से आप जुड़ सकते हो। कोई भी आपकी क्वेरी हो रिगार्डिंग प्रिपरेशन या अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से संबंधित, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, स्टडी आईएएस ऑफिशियल, स्टडी आईएएस यूपीएससी, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड मेल भी कर सकते हो। डियर फ्रेंड्स, अनअकैडमी पर 3 मेगा बैचेज स्टार्ट होने वाले हैं 25 मई फॉर यूपीएससी सीएससी 2020 एंड 21 के लिए। ये सभी बैचेज हैं जिनमें ये फैकल्टी रहेगी। ये बायलिंगुअल बैच है जीएस का, ये हिंदी जीएस बैच फॉर 2021 एंड इंग्लिश बैच। तो ये सभी आप देख लेना एक बार, सभी 25 मई से ही स्टार्ट होने वाले हैं। यहां आप यूज कर सकते हो कंप्लीट कोर्स ऑन डेली करंट अफेयर्स फॉर मई 2020 बाय अमन शर्मा सर। तो इनको आप इसको जरूर देखना, आपके लिए अच्छा होगा। ये अमन सर काफी अच्छा पढ़ाते हैं डेली करंट अफेयर्स। अगर आप 1 मंथ के लिए लेते हो तो 8000 पर मंथ एंड 24 मंथ के लिए आपको केवल 2000 पर मंथ पड़ेगा, मीन्स 58% ऑफ। अगेन, आप अगर स्टडी आई एस कोड यूज करते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा और आपको टोटल 36,000 ही देना पड़ेगा। तो ये आप यूज कर सकते हो फॉर 12 मंथ के लिए। अगेन, अगर आप 24 मंथ्स के लिए लेते हो सब्सक्रिप्शन तो 70% आपको ऑफ मिलेगा टोटल 24 मंथ्स के लिए। एंड यहां पर 48,000 की जगह अगेन आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट यूज ले सकते हो स्टडी आईएएस कोड यूज कर, आपको ये पड़ेगा 43,200। अमन सर का यहां पर जरूर आप देखना, सर कंप्लीट कोर्स ऑन डेली करंट अफेयर्स मई 2020 यहां पर लेते हैं प्लस प्लेटफॉर्म पर। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा प्रीवियस जो क्वेश्चन था प्रीवियस लेक्चर का, टर्म टू स्टेट सॉल्यूशन। हमने देखा था कि इजराइल एंड फिलिस्तीन, तो दोनों के लिए दो, यूएन का जो टू स्टेट पार्टीशन का थ्योरी आया था उसी के तहत ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 का क्वेश्चन है। तो सीधा सीधा किससे संबंधित है, इजराइल। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ज्यादातर लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने सही किया है, तो सभी को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहां पर हमें पता है कि साइक्लोन आया हुआ का वेस्ट बंगाल उड़ीसा, इस साइक्लोन के कारण लगभग 72 लोगों क्या मारे गए हैं। अब यहां पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा सा याद रखना आप, एक यहां पर ह्योगो फ्रेमवर्क, दूसरा यहां पर सेंडई फ्रेमवर्क। सेंडई फ्रेमवर्क एंड ह्योगो फ्रेमवर्क, ह्योगो फ्रेमवर्क 2005 से लेकर 2015 तक 10 साल के लिए था, 2015 तक, और 2015 से स्टार्ट हुआ है 2030 में, 15 साल के लिए स्टार्ट हुआ सिंडई फ्रेमवर्क, जिसको 2015 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा स्टार्ट किया गया था। मींस सिंडई एंड ह्योगो दोनों एक सिटी है, कहां पर, जापान में। वहां पर एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क बना था कि कैसे हम डिजास्टर जो है उसको रोक सकते हैं, कैसे पूरे वर्ल्ड में डिजास्टर को लेकर अलग अलग देशों के बीच में कैसे कोऑपरेशन बढ़े, उसी को लेकर वो क्या हुआ था, समझौता हुआ था। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, 2018 में यूपीएससी में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि ह्योगो फ्रेमवर्क एंड सेंडई फ्रेमवर्क दोनों में क्या डिफरेंस है, और ये इनके मेन मेन, जो सेंडई फ्रेमवर्क है उसके मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो और कैसे ये उपयोगी है डिजास्टर मैनेजमेंट को रोकने में। तो ये आप इंपॉर्टेंट थोड़ा सा याद रखना। अगेन, ये हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट है कि आए दिन साइक्लोन आते रहते हैं, बाढ़ आ जाती है, भूस्खलन हो जाता है, उसके बाद अर्थक्वेक आता है, तो ये सभी इनके कारण कई जान माल की हानि होती है। तो इसीलिए डिजास्टर मैनेजमेंट, कई कई बार आग लग जाती है जंगलों की। तो आपने देखा होगा
कि ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में आग लग गई, यहाँ पर साइक्लोन्स आ रहे हैं, कई जगह सूखा, कई जगह बाढ़, ये पूरा क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है आजकल, काफी मात्रा में क्लाइमेट चेंज के कारण डिजास्टर जो है उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है पूरे वर्ल्ड में। तो ये क्लाइमेट चेंज का आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, तो ये याद रखना। सेंडे फ्रेमवर्क जो है वो वॉलेंटरी है, मीन्स उसमें जितने भी प्रावधान है देशों के ऊपर मैंडेटरी नहीं है, वॉलेंटरी में स्वैच्छिक, बट 2015 से लेकर 2030 टारगेट दिया गया है, तो ये याद रखना। ये थोड़ा सा पॉइंट है, जो कभी आएगा तो अगेन इसके ऊपर कंप्लीट हम डिस्कशन करेंगे। आगे है पेज नंबर 6, एडिटोरियल, द लॉकडाउन हैज हाईलाइटेड स्टार्क इनइक्वलिटीज। तो यहां पर ये जो पूरा जो इन्होंने लिखा है इसमें जनरली इन्होंने बताया कि इनइक्वलिटीज इंडिया में कौन कौन सी है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना है कि इन पॉइंट्स को हम यूपीएससी में डायरेक्टली यूटिलाइज तो नहीं कर सकते। अगेन मैं कह रहा हूं, गवर्नमेंट को आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, बट केवल और केवल पॉजिटिव क्रिटिसाइज कर सकते हो। आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है, उसके बावजूद भी आप वो पॉइंट्स एग्जाम में नहीं लिख सकते जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो। एग्जाम्पल के लिए, सीधा देखते हैं कि 20 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने दिए हैं। अब गवर्नमेंट बोल रही है कि 10% है जीडीपी का, यहां पर ये जो राइटर बोल रहे हैं ये है 1%। आपने अगर पेपर में लिख के आया 1% था, मोदी जी ने जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया था वो केवल और केवल 1% था जीडीपी का, तो सच बता रहा हूं जो एग्जामिनर है उसके पास केवल एक ही आप तक पहुंचने का, केवल उसको गुस्सा तो बहुत आएगा लेकिन आप तक पहुंचने का उसके पास एक ही उपाय है कि मार्क्स जो 12 दे रहा था, 12.5 एक, तो वहां पर 2 से 3 मार्क्स भी दे देगा तो काफी है। तो मैं फिर बोल रहा हूं आपको कि आपको जो अपना दिमाग है उसमें जो थॉट्स डेवलप करनी है वो एज ए पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, जो गवर्नमेंट का डाटा दे रही है उसी के आधार पर आपको बातें करनी है। अगर गवर्नमेंट बोल रही है कि 10% जीडीपी का, तो 10% जीडीपी का आपको बोलकर ये कहना है कि उस 10% जीडीपी का जो पैसा है उसको कैसे हम सही से यूटिलाइज करें, कैसे उसमें करप्शन हो रहा है उसको खत्म करें, कोई ऐसी इरेगुलरिटीज है लॉज के कारण उसको समाप्त करें, लोगों में अवेयरनेस की कमी है तो उसमें अवेयर बढ़ाएं। ये सभी बातें हम पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के रूप में लिखेंगे, ना कि 1% दे रहे हैं मर गए भुखमरी, ये सभी बातें हम नहीं लिख सकते क्योंकि वो क्या दर्शाती है, आपकी निराशाजनक, और एक तरह से आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो। जब आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट वहां अगर जाके होंगे आप, क्यों ये जरूरी है, एक इंपॉर्टेंट क्यों जरूरी है कि अगर आप ब्यूरोक्रेसी में हो, अगर आप कोई भी गलत बात बोलते हो वहां जाने के बाद, तो गवर्नमेंट की पूरी फजीयत होती है। तो गवर्नमेंट की ऐसा होगा तो गवर्नमेंट क्या खतरे में आ सकती है, लोकतंत्र में लोगों को विश्वास कम हो सकता है। तो ऐसे लोग चाहिए जो गवर्नमेंट पर विश्वास करते हो और गवर्नमेंट के डाटा पर विश्वास करते हो, इसीलिए थोड़ा सा याद रखना। यहां पर कीपिंग द पीस, यहां पर LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना एंड इंडिया, तो ऐसे लड़ाई झगड़े वाली कोई बात नहीं है, यहां पर ऐसा होता है, इसके पीछे रीजंस है। जैसे ही पाकिस्तान एंड इंडिया की बॉर्डर पर कुछ होता है, आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि एक कर्नल मारा गया, उसके बाद मेजर, ये सभी शहीद हो गए थे, तो वहां पर पाकिस्तान आर्मी ने काफी गोलीबारी की थी। पाकिस्तान का थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए क्या करता है चाइना, अपने बॉर्डर पर थोड़ा सा डिस्प्यूट स्टार्ट कर देता है ताकि पाकिस्तान को लगे कि मेरा साथ दे रहा है चाइना। लेकिन चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया ने क्या किया, इंडिया के जो गडकरी साहब थे उन्होंने एक बयान दे दिया कि ये जो वायरस था COVID-19, ये नया वायरस तो नहीं है, नेचुरल वायरस तो नहीं है, प्राकृतिक तो नहीं है। मीन्स उनका इंडिकेशन था, उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया लेकिन उनका इंडिकेशन था कि कहीं ना कहीं लैब में बना है। मीन्स जो ट्रंप साहब बोल रहे थे कि इसको किसी लैब में बनाया गया है चाइना में, तो उसको हवा दे दी। तो ये जो टैक्टिक्स हैं देशों के बीच में जो चलती रहती है, कोई क्या बयानबाजी देता है, कोई क्या बयानबाजी देता है, तो ये आपस में जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज है कैसे जो बैलेंस ऑफ पावर का उसको किया जाए उसके लिए चलता रहता है। यहां पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो आर्टिकल है, ए वायोलेशन ऑफ राइट फाउंड बट नो रेमेडी गिवन, इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। पहले भी इससे संबंधित आर्टिकल आ चुके हैं, ये आर्टिकल जम्मू कश्मीर से संबंधित है।
अगेन मैं आपको कहूंगा कि लाइन टू लाइन हमको याद करने की जरूरत नहीं है, हमको वो कंक्लूजन वाली बातें उस आर्टिकल में से लेनी है, क्योंकि सब बातें हम नहीं लिख सकते। इन्होंने भी गवर्नमेंट को काफी क्रिटिसाइज किया, सुप्रीम कोर्ट को काफी क्रिटिसाइज किया, लेकिन कुछ हद तक ये सही है। लेकिन हम पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स जो हैं उनको लेंगे। ए डबल डिजास्टर, इसमें कोविड 19 एंड जो साइक्लोन आया है, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल दोनों एक साथ हैं, तो जस्ट थोड़े से पॉइंट है जो हमने देख लिए। विल स्पोर्ट बी द सेम इन एम्पटी स्टेडियम, तो यहां पर ये जो स्टेडियम में एम्पटी है वहां पर अगेन जो स्टेडियम जो स्पोर्ट्स स्टार्ट हुआ है उसके बारे में हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिनेमा आफ्टर कोविड 19 कोई मतलब नहीं है। मैं तो बोलता हूं कि एग्जाम्स में कहां टाइम रहता मूवीज देखने का, तो थोड़ा सा याद रखना आप। पेज नंबर एट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हम देखेंगे। पीएम केयर्स अगेन आया है यहां, तो पीएम केयर्स अगेन रिविजन कर लेंगे। यहां पर पेज नंबर नाइन में फाइनेंस पैनल फ्लैग्स रिकवरी अनसर्टेनिटी, तो यहां पर एन के सिंह साहब नॉमिनल जीडीपी एक्चुअल जीडीपी रियल ग्रोथ रियल जीडीपी ग्रोथ एंड 15th फाइनेंस कमीशन, इन सभी का हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आए दिन न्यूज में रहता है कि जीडीपी बढ़ गई जीडीपी घट गई, रियल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, 15th फाइनेंस कमीशन क्या है, ये सभी न्यूज में चलते रहते हैं, इसीलिए इनका डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। अगर आपको छोटी छोटी बातें पता है तो आपको आर्टिकल्स पढ़ना क्या हो जाता है आसान। 22 मई 2020 वायोलेशन ऑफ राइट्स नो रेमेडी, द हिंदू के पेज नंबर 6 पर यह एडिटोरियल आया था। इसके बारे में देखते हैं एडिटोरियल में क्या कहा गया। एडिटोरियल में राइटर ने कहा है कि आर्टिकल 32 के तहत राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मिस संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमें पता है कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक क्या है, फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया है, फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 12 से लेकर 35। आपके अगर फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है, उल्लंघन करती है गवर्नमेंट या कोई व्यक्ति, तो आर्टिकल 32 के अनुसार आपके पास ये सुविधा है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मीन्स आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हो कि पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर व्यक्ति ने मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन किया है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप रिट जारी करवा सकते हो। यहां पर रिट जारी किस लिए होती है, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, जांच करेगा कि सही में किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हुआ क्या, रिट जारी करेगा। और रिट 5 तरीके की होती है, इसको हमें से याद रखना। एक हैबियस कॉर्पस, एक मैंडमस प्रोहिबिशन, सरसियोराई क्यू वारंटो। इनके हिंदी वर्जन की जगह आप इंग्लिश का ध्यान रखोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। हैबियस कॉर्पस ये क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षकरण, मींस अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंदी बना लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, तो यहां कहा गया है कि उसको 24 आवर्स के तहत मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाएगा, और मजिस्ट्रेट अगर पाता है कि उसको गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो उसे छोड़ने का आदेश देगा सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्या है, हैबियस कॉर्पस। मैंडमस परमादेश, अगर कोई अधिकारी गवर्नमेंट अधिकारी सही से काम नहीं कर रहा है, एग्जाम्पल किसी कॉलोनी में पानी बहुत भर गया बरसात का और उसके कारण मच्छर बहुत ज्यादा पैदा हो गए हैं, उसके कारण मलेरिया फैल गया, कई लोग मारे जा रहे हैं, मीन्स उनके आर्टिकल 21 का क्या हो रहा है, वायोलेशन। एक रिट पिटीशन पहुंच गई कहां पर, सुप्रीम कोर्ट की, कि साहब वहां पर पानी का बारिश इतना भर गया और जो अधिकारी हैं, जो भी नगर पालिका के अधिकारी हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो जरूर अगर आपके रियल में फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो रहा है तो इन अधिकारियों को एक जो रिट है वो जारी की जाएगी। प्रोहिबिशन, इसमें क्या होता है, हमारे यहाँ पर कोर्ट सिस्टम है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट्स और अदर कोर्ट्स, ठीक है। तो उसमें क्या हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सभी जब पाते हैं कि लोअर जो कोर्ट है वो क्या कर रहे हैं, अपने दायरे से बाहर जाकर न्याय सुना रहे हैं, तो उनको रोक सकती है कौन, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो सकता है। सरसियोराई, इसमें क्या होता है कि जब देखा जाता है कि लोअर कोर्ट जो है सही से निर्णय नहीं दे रहे हैं, किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो रहा है, तो ऐसे केसेज को लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट में बुला लिया जाता है। क्यू वारंटो, अधिकार पृच्छा, इसमें क्या होता है कि अगर प्रेजेंट में गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट है, अगर मोदी गवर्नमेंट किसी संवैधानिक पद पर या किसी ऐसे पद पर अपने चहेते को बिठा देती है जिसमें वो क्वालिफिकेशन नहीं हो जो उस पद के लिए चाहिए,
तो क्यों वारंटो के द्वारा उस व्यक्ति को हटा दिया जाएगा। अब देखते हैं यहां पर क्या क्या। टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए कई बार अच्छे अच्छे निर्णय दिए। इस राइटर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन एयर, शेल्टर, ह्यूमन डिग्निटी, प्राइवेसी, इन सभी को लेकर आर्टिकल 21 के तहत कई तरह के अच्छे निर्णय दिए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई बार प्रॉब्लम में भी आया कि ए के गोपालन वर्सेज मद्रास स्टेट 1950 में इन्होंने केवल आर्टिकल 21 के तहत क्या कहा। आर्टिकल 21 की इन्होंने बहुत सूक्ष्म व्याख्या की, मिस माइक्रो एक्सप्लेनेशन, मींस कि आर्टिकल 21 केवल और केवल जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसके द्वारा इसको छीना जा सकता है। साथ में अगर विधि द्वारा इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ी की जाती है आर्टिकल 21 के साथ तो की जा सकती है लॉ बनाकर। लेकिन मेनका गांधी में अगेन 1978 में जो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड था ए के गोपालन वर्सेज मद्रास स्टेट का, वो चेंज हो गया। अब इन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 को आप ऐसे ही नहीं छीन सकते, आप लॉ भी बनाओगे तो हम पहले जांच करेंगे कि क्या सही में ये आर्टिकल 21 का वायोलेशन तो नहीं है, आप विधि द्वारा इसमें छेड़छाड़ी नहीं कर सकते। साथ में आर्टिकल 21 की इन्होंने मैक्रो एक्सप्लेनेशन दिया। आर्टिकल 21 में इन्होंने कई और चीज़ें जोड़ी, जैसे क्लीन एयर इन्होंने जोड़ दी, उसके बाद ह्यूमन डिग्निटी, उसके बाद प्राइवेसी, आवास, ये सभी कई बातें और भी इसमें जोड़कर आर्टिकल 21 का जो दायरा है, मींस इसमें जो शांति के साथ सोना, मींस पीसफुल सोना, स्लीप, वो भी इसमें लाई गई, वो भी क्या था, आर्टिकल 21 का पार्ट। अगेन हम देखेंगे कि एडीएम जबलपुर वर्सेज शिवकांत शुक्ला 1976, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गलत निर्णय दिया था, उसके कारण भी सुप्रीम कोर्ट की काफी आलोचना हुई। अभी प्रेजेंट में क्या हुआ है कि नेशनल सिक्योरिटी वर्सेज ह्यूमन राइट, मींस ह्यूमन राइट्स या फिर राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, इन दोनों में बैलेंस करना जरूरी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। लेकिन यहां पर सबसे जो मेन बात है वो है एग्जीक्यूटिव कमेटी डिसीजन, मींस एक कार्यकारी समिति बनाई गई और उसी ने डिसीजन लिया कि अभी प्रेजेंट में 4G इंटरनेट लाना सही नहीं है, कहां, जम्मू कश्मीर में। तो इनका कहना है कि नो पर्सन सेल एक्ट एज ए जज इन इट्स ओन केस, मींस जब खुद का ही आपका केस है तो आपको उसमें जज नहीं बनाया जाना चाहिए। यहां गवर्नमेंट खुद ही एक अपनी एग्जीक्यूटिव कार्यकारी समिति बना दी और उसने बोला है, मींस ये तो एक तरह से गवर्नमेंट खुद ही क्या कर रही है, लॉ बना रही है, एक तरह से खुद ही जज कर रही है। तो यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहां पर एक पॉइंट आप डाल सकते हो कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जानी चाहिए थी, जुडिशियल कमेटी, तो यो ज्यादा बेटर रहता। इन्होंने और कहा क्या कहा कि जब नेट नहीं है तो यहां पर राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1)(a), एजुकेशन आर्टिकल 21(a), फ्रीडम टू ट्रेड 19(1)(g) एंड हेल्थ आर्टिकल 21, इन सभी का वायोलेशन हो रहा है। जब नेट नहीं होगा तो लोग जो फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो इंटरनेट पर करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ई कॉमर्स और हेल्थ जो ई मेडिसिन होती है उसके द्वारा। अब हम देखते हैं जम्मू कश्मीर का क्या मामला है, 2G वर्सेज 4G इंटरनेट। सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े दिन पहले एक डिसीजन दिया था कि राइट्स जो है आर्टिकल 19(1)(a), जिसके तहत राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19(1)(a) जिसमें हम जानते हैं कि राइट टू फ्री ट्रेड, जो आर्टिकल 19(1)(a) में ए बी सी डी ई एफ जी ये सभी आते हैं, एफ को जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है। इन सभी राइट्स को लेकर बात की कि ये राइट्स का वायोलेशन होता है। लेकिन साथ में ये भी कहा कि नेशनल सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि साइबर टेररिज्म, 4G इंटरनेट का बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल होता है। अभी थोड़े दिन पहले ही, कम से कम 4 से 5 दिन पहले ही, एक कर्नल और एक मेजर, उसके साथ कई आर्मी मैन शहीद हो गए थे आतंकवादी गतिविधियों में। तो आतंकवादी जो एक्टिविटीज हो रही है उनमें कई हमारे जो जवान थे वो शहीद हो गए, और उसको सबसे ज़्यादा जो सहायता मिलती है वो किससे मिलती है, साइबर से। तो साइबर टेररिज्म एंड ड्रग टेररिज्म, ये जम्मू कश्मीर की बड़ी समस्या है, इनको रोकने के लिए जरूरी था। अब हम देखते हैं 15th फाइनेंस कमीशन। उससे पहले एक छोटा सा पार्ट है शिवकांत शुक्ला, इसको देख लेते हैं। ये क्या था, एडीएम जबलपुर वर्सेज शिवकांत शुक्ला केस 1976। ये 9 मई को भी आया था, मैंने पहले भी इसको समझाया था अच्छे से। इसमें क्या था, द हिंदू के पेज नंबर 6 पे पहले भी आ चुका है,
रूल ऑफ लॉ एंड हैबियस कॉर्पस, देखो हैबियस कॉर्पस यहां आ गया, इसके तहत इससे संबंधित केस था कि क्या ऐसा हो सकता है, इससे संबंधित केस था क्या था कि जब इमरजेंसी चल रही थी 1975 के समय, उस समय मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के आधार पर लोगों की गिरफ्तारी की गई। तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी के आधार पर लोगों की क्या की गई, गिरफ्तारी की गई, बट किस आधार पर गिरफ्तार किया गया लोगों को ये नहीं बताया जा रहा था। तो लोगों ने क्या किया, आर्टिकल 226 के तहत वो कहां पहुंच गए, हाई कोर्ट्स में। देखो रिट जारी कौन कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत, तो दोनों रिट जारी कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है यदि 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 संसद उनको ऐसा करने के लिए अलाउ करे। ये हमारे संविधान में रखा हुआ लिखा हुआ है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है तो कोई भी कोर्ट, अभी तो प्रेजेंट में कौन कौन है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी कर सकते हैं आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 के तहत। लेकिन संसद के पास ये शक्ति है कि वो रिट जारी करने की शक्ति किसी अन्य कोर्ट को भी दे सकता है, लेकिन संसद ने अभी तक ऐसा नहीं किया है, ये आपको याद रखना है। तो आर्टिकल 226 के तहत कई रिट याचिकाएं दायर की गई हाई कोर्ट 1-2 अलग अलग राज्यों में कि हमको बंदी प्रत्यक्षीकरण बनाया गया है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत इन्होंने रिट जारी की कि हमको गिरफ्तार करने से छुड़वाओ। तो क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या किया कि ये रिट एक तरह से कहां थी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए तो हाई कोर्ट क्या एक तरह से लोअर कोर्ट की तरह, मींस निचली अदालत। तो इन्होंने क्या किया, सर्शियराई के तहत क्या किया, अपने पास इस केस को ले लिया ताकि अलग अलग हाई कोर्ट्स की जगह अकेला ही सुना दे केस, क्योंकि अलग अलग हाई कोर्ट अलग अलग निर्णय देंगे। इसीलिए सर्शियराई, याद रखना किसके, सर्शियराई कहां जारी की जाती है, जुडिशियल कोई संस्था हो, क्वासी जुडिशियल हो, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटी के लिए, मिस प्रशासनिक संस्थाओं के लिए भी सर्शियराई जारी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की पीठ का गठन किया गया और यहां चुनौती दी गई कि विधि का शासन नहीं हो रहा है, आर्टिकल 21 का वायोलेशन हो रहा है, और आर्टिकल 359 के तहत 21 का क्या सस्पेंशन किया जा सकता है, ये गलत है या सही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा आर्टिकल 21 को समाप्त किया जा सकता है, कोई गड़बड़ नहीं है। तो मीसा एक्ट के तहत आपकी गिरफ्तारी जो की गई है वो सही है। अब क्या हुआ, उस टाइम जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी इंदिरा गांधी की, वो हार गई थी चुनावों में। उसके बाद मुरारजी देसाई जी की जनता पार्टी 1978 में सत्ता में आई। उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 44 जो संविधान संशोधन 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट CAA 1978 लेकर आए और उन्होंने आर्टिकल 359 में संशोधन कर दिया। उसमें लिख दिया कि चाहे कितनी इमरजेंसी हो देश में, कितना ही नेशनल इमरजेंसी हो, लेकिन आर्टिकल 20 आर्टिकल 21 सस्पेंड नहीं होगा। यहीं से वो बनकर आया डियर फ्रेंड्स। तो सुप्रीम कोर्ट आज भी मानता है कि हमारा जो केस था ADM जबलपुर वर्सेज शिवकांत शुक्ला, उसमें हमने गलत निर्णय दिया था। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा सही निर्णय दे। अब यहां पर हम देख रहे हैं नेक्स्ट 15th फाइनेंस कमीशन। हमको पता है कि फाइनेंस कमीशन जो है वित्त आयोग, ये एक संवैधानिक संस्था है, मींस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इट मींस इसको आर्टिकल 280 के तहत बनाया जाता है और संविधान निर्माण के समय इसकी कल्पना की गई थी। इसमें क्या होता है कि हर 5 साल से पहले या 5 साल होने तक, हर 5 साल में, तो यहां समझना, 5 साल होने के बाद इसकी गठन किया जा सकता है या 5 साल होने से पहले भी इसका गठन किया जाता है। और फाइनेंस कमीशन को 5 साल के लिए बनाया जाता है, मींस अगर सेंटर के पास जो पैसा आ रहा है तो उसमें से कितना पैसा राज्यों को ट्रांसफर किया जाए, कितना पैसा राज्यों को ट्रांसफर किया जाए, उस पैसे के लिए रिकमेंडेशंस देती है कौन, फाइनेंस कमीशन। मींस फाइनेंस कमीशन क्या देती है, केवल और केवल रिकमेंडेशंस, सिफारिश मानना सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि मानेगा या नहीं। आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति इसका क्या करता है, अपॉइंट करता है किसको, 15th फाइनेंस कमीशन को, जिसमें 5 सदस्य होते हैं और प्रेजेंट में 15th फाइनेंस कमीशन है, उसके चेयरमैन है NK सिंह।
इन्होंने कहा है कि सेंटर के पास अगर 100 रुपये आ रहे हैं तो उसमें से 41% मिस 41 रुपये आप कहाँ भेजो, राज्यों को, जबकि जो 14th फाइनेंस कमीशन था, 14वां जो फाइनेंस कमीशन था उसमें कहा गया था 42% राज्यों को दो। लेकिन हमको पता है कि दो यूनियन टेरिटरीज नहीं बन गई है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, तो इसीलिए उनका जो पैसा राज्य के रूप में जाता था वो अब यूनियन टेरिटरी मीन्स डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगी, इसलिए 42 की जगह कितना कर दिया, 41। दो एक्स्ट्रा प्रोविजन जोड़े गए हैं टैक्स बांटने का, उसमें टैक्स एफर्ट एंड ज्योग्राफिक परफॉर्मेंस, ये क्या होता है अभी हम देखते हैं। यहां पर देखिए 14th फाइनेंस कमीशन क्राइटेरिया क्या था एंड 15th फाइनेंस कमीशन, इसमें क्या होता है कि दो काम रहते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 100 रुपीज आए तो उसमें से अब 41% मीन्स 41 रुपीज, अगर इसको 100% मान ले तो 41% मीन्स 100 रुपये आ रहे हैं तो उसमें से 41% किसको देना है, राज्यों को। तो यहाँ महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, राजस्थान, यूपी, एमपी, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर तो अभी क्या बन गया है, यूनियन टेरिटरी, तो यहाँ पर और ले लेते हैं हम पंजाब, ये सभी राज्य हैं। अब इस 42 में से कितना कितना इन राज्यों को मिले, क्या सभी राज्यों को बराबर बांट दे 41 में, डायरेक्टली हम भाग दे 28 का, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। 41 को इस आधार पर बांटा जाएगा कि किस राज्य की जनसंख्या कितनी है, उसका क्षेत्रफल कितना है, वहां पर टैक्स अफर्ड्स कैसा है, वहां के इकोलॉजी कैसी है, फॉरेस्ट एरिया कितना है, इन सभी आधारों पर इस 41 को अलग अलग दायरे में, जिसका जितना एरिया ज्यादा होगा उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा इन 41 में से। तो अब देखते हैं क्या क्या दायरा था। अगर 14th फाइनेंस कमीशन की बात करें तो इनकम डिस्टेंस मिस कोई राज्य है राजस्थान, तो राजस्थान की पर कैपिटा इनकम हरियाणा, यहां पर बेस किसको बनाया जाता है, हरियाणा की पर कैपिटा इनकम से कितनी कम है, अगर जितनी ज्यादा कम होगी उसको उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। तो यहां याद रखना इनकम डिस्टेंस का पार्ट था 50%, मीन्स टोटल जो 100% पैसा आ रहा है उसमें से 50% पैसा किसको जाएगा, इनकम डिस्टेंस को। अभी प्रेजेंट में जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसमें इसको कर कितना कर दिया है, 45%। पॉपुलेशन 1971 की इसमें था 17%, 17.5% पॉपुलेशन। पॉपुलेशन 2011 की, यहां पर 2011 की मीन्स डेमोग्राफिक चेंज, यहां पर पहले क्या था, डेमोग्राफी चेंज, मीन्स 1971 से लेकर 2011 तक कितनी पॉपुलेशन चेंज हो गई है, तो जितनी पॉपुलेशन चेंज हुई है उसका 10%। अभी प्रेजेंट में जो पॉपुलेशन है ये पॉपुलेशन 71 की अब हटा दिया, पॉपुलेशन हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं क्या 2011 की, 15% पैसा जाएगा जिसकी 2011 के अनुसार जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, एरिया के हिसाब से 15% पैसा जा रहा है, पहले भी 15 ही था। फॉरेस्ट कवर के अनुसार यहां पर 7.5 था, अब फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी जोड़ दिया है और 10% कर दिया है, जिसके बाद जितना होगा उसको 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस मीन्स अब यहां जिन्होंने जनसंख्या रोकने का काम किया है उनको 12.5% क्या मिलेगा, टैक्स का पैसा मिलेगा, और किसी ने टैक्स एफर्ट्स कितने किए हैं उसको 2.5%। तो यहां ये दोनों क्राइटेरिया पहले नहीं थे, इन दोनों को नया जोड़ा गया है, कब, 15वें वित्त आयोग में। ऐसा कर क्या हो जाता है, टोटल पैसा हो जाता है। तो आप समझना जो 100% पैसा था सेंटर का उसमें से 41% पैसा मींस ये एक तरह से स्टेट्स के लिए क्या है, 100% स्टेट के लिए तो 100% ही है ये पैसा। इस स्टेट्स के 41% मींस स्टेट्स के लिए जो एक तरह से 100% है उसका आपस में स्टेट्स के बीच में कैसे बटेगा, उसका ये क्राइटेरिया है कि इतना परसेंट इसमें जाएगा, इतना परसेंट इसमें जाएगा, इस आधार पर पैसा बटेगा। तो ये आप याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में इस बार पूछे जाने का पूरा चांस है, आप याद रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जिसमें हमारा है जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, यहां पर बेस ईयर इसकी भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम इस टॉपिक को निपटा लेते हैं, टॉपिक्स इन शॉर्ट्स पीएम केयर्स। हमने पहले भी इस पर कई बार डिस्कशन कर चुके हैं कि एक धर्मांत ट्रस्ट है, मीन्स चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया गया है COVID-19 से लड़ने के लिए, लेकिन आगे भी इसमें जो पैसा रहेगा उसका ऐसी कोई डिजीज आएगी उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा। तो पीएम केयर्स इसका अध्यक्ष कौन है, पीएम स्वयं, और इसमें 3 सदस्य हैं जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर इसमें पार्टिसिपेट किए गए हैं। इसमें जो पैसा आएगा उसमें टैक्स नहीं लगेगा
और इसमें पैसा डोनेट कौन कर सकता है? कोई भी इंडियन, चाहे कोई पर्टिकुलर व्यक्ति हो, कोई संस्था हो या कॉरपोरेट घराने हो। लेकिन विदेश में विदेश के केवल व्यक्ति या फिर कोई संस्था इसमें डोनेट कर सकती है, लेकिन विदेश की सरकारें मीन्स गवर्नमेंट और वहाँ के कॉरपोरेट घराने इसमें डोनेट नहीं कर सकते। इसमें डोनेट की राशि जो है वो 10 रुपीज़ से लेकर आप जितना आपकी इच्छा हो वो कितना भी आप जमा करवा सकते हो। तो ये आप याद रखना। जीडीपी, ये हम देखते हैं जीडीपी क्या होती है। ये हमेशा न्यूज में आती रहती है, इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है। डियर फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं द आइडिया ऑफ नेशनल इनकम। एक्चुअली हमको नेशनल इनकम निकालनी रहती है कि कैसे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करें, कितना हमारा यहाँ नेशनल इनकम आ रहा है, आय हो रही है, उसको निकालने के लिए कई तरीके हैं, जिसमें चार मेन दृष्टिकोण हैं। एक है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और एक है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये राष्ट्रीय आय का निकालने का तरीका है। अब हम देखेंगे जीडीपी। जब जीडीपी आपका क्लियर हो जाएगा तो यहां पर क्या होगा कि जीडीपी में हम क्या करते हैं, जीडीपी कैसे जोड़ते हैं, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का अंतिम बाजार मूल्य, मौद्रिक मूल्य। मीन्स जीडीपी क्या होती है कि एक वर्ष में कितनी हमारे देश में वस्तु और सेवाएं उत्पादित हुई, लेकिन इसमें उत्पादित होने वाली वस्तु और सेवाओं का क्या देखेंगे, अंतिम बाजार मूल्य। अंतिम बाजार मूल्य क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हो सकता है 1 kg गेहूं था, उसके 20 रुपए का एक केजी गेहूं था, उससे हमने आटा बना दिया 1 kg, जो आटा बना वो बन गया 30 रुपए का, और इस आटे से हमने क्या बना लिया, ब्रेड बना लिया खाने के लिए, ये 100 रुपए की ब्रेड है। तो अब क्या हुआ, हमने 20 रुपए यहां से जोड़ दिया, 30 रुपए यहां से जोड़ दिया और 100 रुपए यहां, तो 150 रुपए हमको क्या लग रहा है कि हमारी जीडीपी बढ़ी हुई दिख रही है, क्योंकि हमने अलग अलग जगह सेम वस्तु की बार बार रेट को जोड़ लिया। इससे क्या होगा, दोहराव होता है, मिस डबल काउंटिंग होती है या मल्टीपल काउंटिंग हो जाती है एक ही वस्तु की जीडीपी में, तो इससे हमारी जीडीपी ज्यादा ही बढ़ी हुई दिखेगी। ऐसे तो हम अमेरिका से आगे दिखेंगे, लेकिन अब होता क्या है इसमें, ऐसा ना कर हम क्या करें, अंतिम बाजार मूल्य को जोड़ लें कि टोटल जो अंतिम बाजार मूल्य कितना हुआ उस वस्तु का, तो 100 रुपए जोड़ लो डायरेक्ट। या फिर हम यहां एक और काम कर सकते हैं कि वैल्यू एडिशन कितना हुआ। जब 1 kg गेहूं हम खेत में उगाए, तो खेत में 1 kg गेहूं उगाने तक हमने क्या किया, मूल्य संवर्धन किया, वैल्यू एडिशन किया। मीन्स यहां पर हमने 20 रुपए का वैल्यू एडिशन किया है। कोई भी जब हम प्राइमरी वस्तु लेते हैं तो वहां पर 20 रुपए का वैल्यू एडिशन होगा। जब 20 से 30 रुपए गए हम, तो यहाँ वैल्यू एडिशन कितना हो गया, 10 रुपए का। और जब हम 30 से 100 रुपए की ब्रेड बनाए, तो यहाँ 70 रुपए का हमने वैल्यू एडिशन कर दिया। तो हम इसको भी जोड़कर हम डायरेक्टली वैल्यू एडिशन में जोड़ सकते हैं, 20 + 10 + 70, तो भी हमको 100 रुपए आ रहे हैं। तो इस तरीके से, इस टाइप से भी हम जीडीपी को जोड़ सकते हैं, मूल्य संवर्धन के आधार पर या अंतिम बाजार मूल्य के आधार पर। भारत में एक वर्ष 1 अप्रैल - 31 मार्च तक माना जाता है। जीडीपी का आकलन हम किस आधार पर कर सकते हैं, 3 अलग अलग आधार भी हैं। एक है निजी उपभोग कितना हुआ, लोगों ने कितना खाया, गवर्नमेंट ने खर्चा कितना किया, हमारे यहाँ सकल निवेश कितना हुआ और आयात निर्यात कितना हुआ, इसके आधार पर भी हम जीडीपी निकाल सकते हैं। फाइनल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अब उत्पाद में और वैल्यू एडिशन नहीं हो सकता। मीन्स एक बार जब बाजार में कोई फाइनल वस्तु आ गई, जैसे मारुति कार आ गई, तो उसमें अब क्या वैल्यू एडिशन करोगे, इसलिए अंतिम फाइनल गुड्स को यहाँ इंक्लूड किया जाता है। और प्रोडक्ट यहाँ वस्तु और सेवा दोनों शामिल होते हैं जीडीपी में। लेकिन अब याद रखना, यहाँ पर जीडीपी में हम क्या करते हैं, सभी वस्तु और सेवाओं को इंक्लूड करते हैं। साथ में जीडीपी में क्या है कि अगर कोई बाहर से एफडीआई किया हुआ है उसको हम इसमें जोड़ लेंगे, लेकिन अगर इंडिया के कोई संसाधन बाहर जाकर काम कर रहे हैं उनको इसमें नहीं जोड़ेंगे। अगर इंडिया की कोई कंपनी है, जैसे रिलायंस जियो, उसने अफ्रीका में जाकर अपनी जियो सर्विसेज दे रही है, वहां से पैसा कमा रही है, तो वो वहां की जीडीपी में जुड़ेगा, हमारी जीडीपी में नहीं। तो ये जीडीपी की एक बड़ी प्रॉब्लम है। साथ में जीडीपी में उन सब चीज़ों को नहीं निकाला जाता, एक्सक्लूड नहीं किया जाता, जो जीडीपी उत्पादन में मशीनों में खराबी हो रही है उसके कारण लॉस हो रहा है। तो जब जीडीपी में से हम मशीनों में जो लॉस हुआ है, जो मूल्य ह्रास हुआ है, डिप्रिसिएशन, उसको जब हटा देंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये जीडीपी तो है ही, जीडीपी में से प्लस माइनस हो जाएगा। जो बाहर पैसा कमा रहे हैं वो हमारा जो पैसा बाहर से आ रहा है वो प्लस हो जाएगा, जो पैसा हमारा यहाँ से कमाकर जो बाहर जा रहा है वो माइनस हो जाएगा। एनएनपी में क्या हो जाएगा, जीएनपी में से मूल्य ह्रास फिर घटा दो तो क्या आ जाएगा, एनएनपी। अब जीडीपी का इंपॉर्टेंस क्या है ये आप याद रखना, हम हमेशा पढ़ते हैं। तो जीडीपी कैसे होती है,
जीडीपी में होने वाला वार्षिक परिवर्तन ग्रोथ रेट को दर्शाता है। 2016-17 में मान लो हमारा 100 रुपीज का क्या था जीडीपी, अगर 7% की वार्षिक वृद्धि दर है, मींस 2017-18 में हमारा 107 रुपए हो गई जीडीपी, मींस 100 रुपए से हमें 107 का बना लिया। ग्रोइंग इकोनॉमी, देश की आय का परिणामात्मक रूप से बढ़ रही है, इससे क्या है जब जीडीपी बढ़ रही है तो हम कह सकते हैं कि आय बढ़ रही है, लेकिन इससे ये नहीं कह सकते कि गुणवत्ता के स्तर में भी क्या वृद्धि हो रही है। किसी देश में अगर जीडीपी ग्रोथ हो रही है तो ऐसा नहीं कह सकते कि जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ रही है, क्योंकि पैसा हो सकता है किसी एक ही पर्टिकुलर घरानों के जेब में जाए, लोगों के बीच में बट ही नहीं रहा हो। और IMF और वर्ल्ड बैंक इसका उपयोग करती है क्या, सदस्य देशों के बीच में तुलनात्मक विश्लेषण का अध्ययन करने के लिए। अब यहां पर एक लास्ट जो था, एक होता रियल जीडीपी और एक होता है नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल एंड रियल जीडीपी हमको समझने की जरूरत है। रियल में हम क्या करते हैं, नॉमिनल में हम क्या करते हैं, नॉमिनल जीडीपी निकालते समय हम करंट जो ईयर है, जो प्रेजेंट ईयर करंट जो चल रहा है, जैसे अगर मैं नॉमिनल जीडीपी निकालूं फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए, तो प्रेजेंट में जो मूल्य है किसी वस्तु के उनके आधार पर मैं जोड़ लूंगा। मींस अगर सोचिए नॉमिनल जीडीपी मुझे निकालना रहे और मेरे पास 10 केजी गेहूं इस साल पैदा हुए, 10 केजी गेहूं को मैं 20 रुपए केजी के हिसाब से क्या किया मैंने निकाल लिया, तो मेरे पास कितना आ गए 200 रुपए। लेकिन रियल जीडीपी में क्या करूंगा, जबकि मेरे पास गेहूं कितने हैं 10 केजी, रियल जीडीपी में मैं क्या करूंगा कि यहां पर मैं एक पर्टिकुलर बेस ईयर निकालूंगा, बेस ईयर के आधार पर मैं क्या करूंगा जीडीपी को निकालूंगा। क्योंकि यहां समझना, अगर मैं नॉमिनल जीडीपी निकाल रहा हूं 10 केजी वीट का कितने के हिसाब से 20 रुपए केजी के हिसाब से, मेरे पास 200 रुपए की मेरी क्या रही जीडीपी। अगर मैं बेस ईयर के आधार पर निकालूं और ये है रियल जीडीपी, और प्रेजेंट में ही आज ही के दिन मेरे पास इसी साल में मेरे पास 10 केजी वीट ही है, लेकिन उनका रेट जो था 2011-12 के अनुसार, जो बेस ईयर प्रेजेंट में चल रहा है वो 2011-12 चल रहा है, उसके अनुसार रेट था 15 रुपए, तो कितना हो रहा है 150। इट मींस हमारा उत्पादन नहीं बढ़ा है। हमने क्या बोला है जीडीपी क्या होता है, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, कितना ज्यादा उत्पादन हो रहा है वो जीडीपी का पार्ट है, ना कि मूल्य का बढ़ना। यहां पर क्या हुआ 20 रुपए हो गया है आज प्रेजेंट में 15 की जगह, जबकि 2012 में कितना था 15 रुपए केजी का वीट। तो जो टोटल उत्पादन था 10 केजी वो तो समान है, लेकिन हमारी जीडीपी किसके कारण बढ़ी हुई दिख रही है, ये इन्फ्लेशन के कारण, मुद्रास्फीति के कारण। तो हमको कभी भी जब जीडीपी निकालना है तो हम चाहते हैं कि मुद्रास्फीति के आधार पर हमारी जो जीडीपी बढ़ी हुई दिखे वो ना दिखे, हमको रियल चाहिए, जो रियल में उत्पादन के कारण जो जीडीपी बढ़ती है वो ही क्या है रियल जीडीपी। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर आधार वर्ष बना दिया जाता है जिसमें वस्तुओं का सामान्य रूप से मूल्य ना बढ़ा हो, मूल्य सिंपल रहा हो। तो अभी प्रेजेंट में जब हम जीडीपी निकालते हैं तो आधार वर्ष जो है 11-12 उसके मूल्यों का हम उपयोग करते हैं, ताकि मूल्यों के कारण जो बढ़ी हुई जीडीपी है उसको हम निकाल सकें, उसको हटा सकें। तो ये याद रखना, रियल जीडीपी बेस ईयर के आधार पर, नॉमिनल जीडीपी जो करंट प्राइजेज है उसके आधार पर हम जीडीपी को निकालते हैं। ये आपके आई होप आपको समझ में आ गया होगा डियर फ्रेंड्स। अब ये लास्ट का क्वेश्चन है जिसको आप कमेंट बॉक्स में करके बताना डियर फ्रेंड्स। ये 2010 का यूपीएससी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को, मींस वित्त आयोग क्या करता है रिकमेंडेशंस देता है गवर्नमेंट को संसद के सामने, मींस पार्लियामेंट के प्रत्येक सदन के सामने कौन रखवाएगा, भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री, संघ का वित्त मंत्री। तो इसमें ABCD इसमें से आप ऑप्शन कौन सा होगा उसको आप बताओगे माय डियर फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में। तो माय डियर फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज द हिंदू एनालिसिस।